सो गाइस, आज का जो व्लॉग है ये मैंने स्टार्ट किया है बिकॉज आज जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे हैं, शायद से ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा पुराना हो रहा है शायद से, बट कोई नहीं, मुझे तो अभी करना था। तो मैंने यहाँ पे दो शीट्स बनाई हैं जिसमें मैंने दो रेसिपीज़ लिखी है, एंड आज की जो भी शीट दीपक सेलेक्ट करेंगे मैं उनके लिए इसमें से कोई एक चीज़ बनाने वाली हूँ, एंड दोनों भी चीज़ें जो रहेगी वो सरप्राइज रहेगी दीपक के लिए। चलो देखते हैं कौन सी चिट्टी जो है दीपक सेलेक्ट करते हैं। टिंग टिंग, बाबे आपके लिए सरप्राइज। मैं तो डायमंड की नहीं थी, गास मार रहा था। वैसे अच्छा मैच था। तो आज का व्लॉग मैंगो मस्तानी पे रहेगा। हमारी आज की रेसिपी के ऊपर आज जो है मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो है शेयर करने वाली हूँ, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, मैं जहाँ भी स्क्रॉल कर रही हूँ ना, ये रेसिपी मुझे हर जगह पे मिली है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी इसे ट्राई करें। तो मैं जो है आज ट्राई करने वाली हूँ मैंगो मस्तानी की रेसिपी, जो कि पुणे की काफ़ी ज़्यादा फेमस रेसिपीज़ में से एक है, पुणे में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा। आज जो है हम लोग बनाने वाले हैं मैंगो मस्तानी। तो यहाँ पर मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स रेडी किए हैं। सो यहाँ पर मैंने ना एक आम लिया है जिसको मैंने स्लाइसिस में कट किया है। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी आम। तो ये ड्राई फ्रूट्स की नीड मुझे अभी नहीं है, मैं इसको साइड में कर देती हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 चम्मच चीनी का, ठीक है। आपको अगर ज़्यादा चीनी पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेरे पास अभी बर्फ़ नहीं है तो मैं बर्फ़ नहीं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ठंडा एकदम चिल्ड वाला जो है दूध लिया है, मैंने 1 कप दूध लिया है। साथ ही इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 चम्मच जो है मैंगो आइसक्रीम का। इसको कर लेते हैं ब्लेंड। तो गाइस यहाँ पे मेरी मैंगो मस्तानी हो गई है रेडी। तो अभी इसको करते हैं हम लोग सीधा ग्लास में, इसको मैं निकाल देती हूँ और इसको किस तरीके से सर्व किया जाता है ये मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहले तो ये हटा देते हैं। तो इसको किस तरीके से सर्व करते हैं ये मैं आपको शो करती हूँ थोड़ा सा जूम करके। तो आज मैं इसको जो है हमारे नए वाले ग्लास में सर्व करूंगी जो कि मैंने डीमार्ट से कल ही लेकर आई हूँ। तो आज मैं इसका उद्घाटन कर रही हूँ। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर रही हूँ हमारा मैंगो वाला जूस। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी मैंगो आइसक्रीम, देन थोड़ा सा जो है हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी टूटी फूटी भी है तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद है टूटी फूटी आप इसको स्किप कर दीजिए। अगेन हम लोग ऐड करेंगे हमारा मैंगो जूस। ठीक है, तो मेरा ग्लास काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है तो मैं इसको हाफ ही फिल करूँगी, ज़्यादा फिल नहीं करूँगी बिकॉज ग्लास काफ़ी ब्रॉड है और इतना मीठा जो है आई डोंट नो दीपक खाएंगे नहीं खाएंगे। इसके बाद मैं ये ऐड करूँगी इस तरीके से, कुछ ड्राई फ्रूट्स और इसके ऊपर ऐड करेंगे हम लोग।
थोड़ी सी टूटी फूटी अगेन। एंड ये हमारी घर बैठे बैठे हमने बनानी है मैंगो मस्तानी, पुणे स्पेशल मैंगो मस्तानी। तो मैं इसका जो है आपको एक नज़दीक से रिव्यू देती हूँ। ये मैंगो मस्तानी अभी मैं देने जा रही हूँ दीपक को, और देखते हैं उनका रिव्यू हमें क्या मिलता है। अच्छा है, पुणे का याद आया, पुणे में खाए थे। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है, आज की जो रेसिपी है, ये आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे दीपक का फीडबैक मुझे काफ़ी अच्छा मिला, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि हमने घर बैठे बैठे इतनी महंगी डिश जो है बहुत इजीली, बहुत ही कम समय में, बहुत ही इजी स्टेप्स में बना ली। एंड अब जो है मैं इसे बार बार बनाऊंगी, एटलीस्ट जब तक आम का सीज़न है तब तक तो मैं आराम से इसे बना के खा सकती हूँ। बिकॉज आइसक्रीम भी जो है मैं यूजुअली घर में बनाती ही रहती हूँ। वैसे ये जो आइसक्रीम मैंने इसमें डाली थी, ये रेडीमेड आइसक्रीम थी जो कि हमने कल ही डीमार्ट से जो शॉपिंग करते वक्त ही हमने ले ली थी, जो कि बाय वन गेट वन फ्री में मिल गई थी। एक वो एडवांटेज मिल गया हमें। सो एनीवेज, रेसिपी जो है कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग एंड न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।